왔다 그러면 आज संडे हाँ संडे संडे इज फन डे ब्रो. Hey guys, what's up? Welcome back to a new vlog. क्या हाल चाल है आप लोग? सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में क्या चल रहा है कमेंट करके बता दिया करो. बाकी फिलहाल के लिए ये है हमारी व्लॉगिंग सीरीज का व्लॉग 7 या फिर 8 है, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ क्योंकि जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं तो मैं भूल जा रहा हूँ, मतलब व्लॉग के नंबर बढ़ रहे हैं, 7 या फिर 8 है. तो गाइज आज के व्लॉग में आने वाला है बहुत ज्यादा मजा, क्योंकि एक भाई अपना उसके पास है लैम्बोर्गिनी गलाटो एंड आज हम लोग उसी के पास जाने वाले हैं. एंड आज हम लोग जो है ड्रैग रेस करने वाले हैं उसके साथ, लैम्बोर्गिनी गलाटो वर्सेस मस्टैंग जीटी होने वाला है आज. एंड लोकेश को मैंने बुला दिया, बस वो लेट ना करे, बाकी वो आ तो जाएगा 2:30 बजे अपने को वहां निकलना है. पहले मैं जा रहा हूँ मॉल में हेयर कट करवाने के लिए क्योंकि मेरे को हेयर कट करवाना है, उसके बाद हम लोग जाएंगे लैम्बोर्गिनी वर्सेस मस्टैंग करने. बहुत मजा आएगा आज के व्लॉग में, बने रहो इस व्लॉग के अंदर, देखते हैं लैम्बोर्गिनी गलाटो चला के V12 इंजन है उसका, तो बहुत मजा आएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो एंड देखते हैं क्या क्या होता है. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. ओके भाई लोग, अपना जो हेयर कट है वो हो चुका है कंप्लीट. मैं ना कब से लेकर लोकेश का वेट करता, कब आएगा भाई, इतना टाइम लगा दिया उस बंदे ने भाई. मैं कब से लेकर वेट करे जा रहा था, घर जाता तो मैंने हेयर कट तो करवा लिया है. अब हम लोग निकल रहे हो भाई के पास, वो भी कब से वेट कर रहा है, तो अब चलते हैं उसके पास फटाफट से एंड लैम्बोर्गिनी और मस्टैंग का थोड़ा सा रेस वेस करवाएंगे, तो चलते हैं. वैसे लोकेश भी आ रहा है लेकिन उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, हम लोग निकल गए क्योंकि उसको लेट हो रही थी भाई को, तो अभी चलते हैं एंड देखते हैं भाई की लैम्बोर्गिनी गलाटो. एंड यहाँ पर लोकेश भी आ चुका है एंड अपना भाई भी आ चुका है, वो देखो आगे जा रही है लैम्बोर्गिनी गलाटो एंड ये लोकी पोकी भी आ चुका है हमारा, और इनके साथ साथ ही चलते हैं अभी धीरे 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 इसको नीचे कर लेता हूँ. चलो भाई, वो कितनी छोटी सी लग रही है, तो ऐसे जैसी लग रही है वो भाई. ओके गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लोकेशन पे एंड लोकेश भी आ चुका है अपनी गाड़ी लेके एंड अभी हम लोग आ चुके हैं भाई के पास. भाई कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया एकदम. तो भाई के पास पहुंच चुके हैं एंड ये भाई लेके आए अपनी लैम्बोर्गिनी गलाटो. हाँ जी गलाटो. और अब भाई बताएंगे आपको गाड़ी के बारे में. ओके भाई, अपने YPM भाई आ चुके हैं एंड YPM भाई बताओ अपनी गाड़ी के बारे में कुछ. ये पहली बार आखिरी लैम्बोर्गिनी गलाटो है जो लैम्बोर्गिनी ने मैन्युफैक्चर करी है. हाँ, जो आखिरी गाड़ी थी उन्होंने अपने म्यूजियम में रख ली थी. अच्छा, तो 6999 है. और इसमें इंजन कौन सा लगा? V10 इंजन. तो एक बार एग्जॉस्ट सुना दो पहले. तो एग्जॉस्ट सुनना है लोकेश कहाँ गया. ओके गाइस, स्टार्ट हो चुकी है एंड ये रहा इसका इंजन, कुछ देख सकते हो. अच्छा, इससे ऑन हो जाएगा एग्जॉस्ट. वाओ नाइस, बहुत ज्यादा लाउड है भाई, बहुत ज्यादा लाउड है. मेरे नहीं लग रहे पूरे के पूरे पूरे मेरे ले रहे. ये देखो भाई, बहुत तगड़ा, बहुत लाउड है. कान फट गए भाई मेरे, तो कान फट रहे पूरे के पूरे. बहुत ज्यादा लाउड है गाइस, बहुत ही ज्यादा लाउड है. आगे से भी देख सकते हो गाइस, बहुत डाउन है. इतना नीचे है भाई, इतना नीचे मस्टैंग से, तो बहुत ज्यादा लाउड है. और हाइट भी इसकी बहुत नीचे है. मस्टैंग की चेक करते हैं एक बार कितनी हाइट है. यहाँ पर मेरे इतने आ रही है और ये आ रही है, बहुत फर्क है गाइस, इतनी आ रही है ये और मस्टैंग इतनी. देख लो गाइस, बहुत. मैं इसके साथ में खड़ी करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितनी है ये. गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं भाई की गाड़ी के अंदर एंड ये रही लैम्बोर्गिनी गलाटो. इंटीरियर कुछ इस तरीके का है, ये स्टेयरिंग है लैम्बोर्गिनी का लोगो, बाकी तो आप लोगों ने देख लिया सिस्टम है सब कुछ. जो क्या क्या है वही चीजें होगी नॉर्मल जो गाड़ी में होता है. स्पेशल ये क्या चीज है? ऑयल का टेम्परेचर. अच्छा, में बैटरी की वोल्टेज. अच्छा, ये सब चीजें दी हुई है एसी के, वो लैम्बोर्गिनी का लोगो, बस यही इंटीरियर है. हाँ, ये क्या बाकी क्या दिखाना है आपको? बाकी एग्जॉस्ट सुनाएंगे, खिड़की. भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा. अच्छा, यहाँ से विंडो यहाँ से नीचे होती है गाइस. यहाँ पे कुछ, यहाँ पे क्या क्या दिया भाई? ये क्या कुछ बटन है? ये कुछ भी नहीं है गाइस, बस पैकेजेस. हाँ, पैकेजेस करवाओ और गाड़ी चलाओ. अच्छा अच्छा, तो यहाँ से होगा ये अपने को अगर करना है. वैसे बहुत नजदीकी है, कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. और सीट आगे पीछे हो जाती होगी ना, यहाँ से हो जाती है. हाँ, वही मैं.
हाँ सही है, वैसे कंफर्टेबल है अंदर अगर ज्यादा हाइट नहीं है. सिक्स, आपकी हाइट कितनी है? 6'1" तो 6'1" तो इजीली आ जाता है ना, कंफर्टेबल है तो मेरे लिए तो और भी ज्यादा कंफर्टेबल है. हाँ पैर तो लगते होंगे भाई, पैर लंबे लंबे हैं तो मेरे लिए तो ठीक है, बट इनके लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है. वैसे इसको ड्राइव कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मल हमारी मस्टैंग है वैसे ही ड्राइव होती है? जी जी भाई, लेकिन आपके हाँ, मस्टैंग के वजह से हाँ, डालोगे ड्राइव में तो अपने आप गाड़ी उठेगी. हाँ हाँ उठती है. अच्छा इसको ड्राइव पे छोड़ दिया, नहीं चला? हाँ अपनी ड्राइव पे डालेंगे तो वो चली जाएगी. हाँ हाँ अच्छा वो है ठीक है. बाकी इसका कुछ बहुत आगे नहीं है, बहुत आगे आया हुआ है ना उसका, मस्टैंग में नहीं है ऐसा कुछ भी. और इन्होंने ये देखो ब्लैक एकदम करवाए हुए. थोड़ा आप नीचे करो, थोड़ा एग्जॉस्ट सुनाते हैं जरा एक बार. ओके अब सुनाना जरा. और ऐप से ही कंट्रोल कर सकते हैं भाई, रिमोट भी आता है इसका. हाँ और ऐप भी आता है, ऐप भी आता है. सही है यार, बहुत मस्त है. चलो अब एक छोटी सी राइड पे जाएंगे हम लोग, तो चलो. हाँ अच्छा यहाँ पर स्पोर्ट्स, ये कौन सा है? ए ऑटोमेटिक. और कोर्सा सबसे खतरनाक होगा. ओके गाइस कोर्सा सबसे खतरनाक मोड है और इसमें भागती होगी असली गाड़ी जो भागती होगी. हाँ। लेकिन ये काफी ज्यादा डाउन है, बट इसके ऊपर कहाँ से हो जाती है? हाँ यहाँ से लिफ्ट हो जाती है. ये चीज मेरे को देखनी थी, इस बटन को दबाओ तो ये ऊपर हो जाती है, नहीं तो नीचे. मैं सीट बेल्ट लगा लूँ कहीं झटका लगे? गाइस पहले सीट बेल्ट लगा लेते हैं कहीं एकदम से झटका लग जाए, बट स्लो ही चलाना भाई, मेरे को डर लगता है. मैं मस्टैंग में नहीं भगाता. आपने कितनी हाईएस्ट कितनी भगाई है ये? जितना मीटर दिख रहा है, मतलब 250 तक तो ले गए हो गए. 280 280 की स्पीड में गई भाई ने, वो भी लैम्बोर्गिनी की नहीं भाई. लेकिन मस्टैंग का ऐसा है ना, उसका मस्टैंग आई थिंक इसका जो वो है ना वो एकदम सीधी चलती होगी. वो मस्टैंग ना थोड़ी इधर उधर हो जाती है. और उसके बाद मैंने मस्टैंग ले ली थी. हाँ उसके बाद मेरे को डर लग गया. हाँ मस्टैंग थोड़ी सी गाइस अजीब सी है, रिस्की है थोड़ी सी, मतलब उसको चलाना ना बहुत मुश्किल है. स्नेक वाली फील आती है उसके अंदर, ऐसे 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 ऐसे. हाँ ऐसे ऐसे वो बहुत दिक्कतें देती है भाई. लेकिन ये शायद मस्त होगी. लेकिन मैंने तो आई थिंक 150 से 160 भगाई, उससे ज्यादा नहीं, तो मेरे को तो डर ही लगता है. बाकी फिलहाल बेल्ट लगा लेते हैं एंड छोटी सी राइड पे चलते हैं. अब चलते हैं, सीट बेल्ट वगैरह मैंने सब कुछ लगा लिया है एंड ज्यादा तेज मत चलना भाई, बस मेरी बढ़ जाती है. पैच है, अभी ये कोर्सा में डाल दिया इसको. ठीक है कोर्सा में डाल दिया. हाँ भाई लग रहा है, भाई झटका लग रहा है खतरनाक, एकदम ऐसे हो रहा है फोन भी एकदम खतरनाक. और ये तो गाइस नॉर्मल रोड है, अगर कोई रेस ट्रैक वगैरह सब तो भाई गाड़ी उड़ा देते भाई इसको. खतरनाक है भाई, अंदर बैठ के गाइस एक फील भी है, मतलब काफी डाउन है ना, लग रहा है ऐसा कि स्पोर्ट्स कार में बैठे. इसका जो आगे का वो शीशा भी, वो भी एकदम ऐसा है. मस्टैंग में थोड़ा फिर भी नॉर्मल मोड पे डाल दिया, नॉर्मल में स्लो होगी. हाँ बहुत प्यार से गियर. हाँ इसको डाल दो कोर्सा में तो भाई ये पूरा एकदम वो शेर बन जाएगा, एकदम दहाड़ने लग जाएगा और बुल. हाँ वही 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 वही. ओके गाइस फिर से हम लोग आ चुके हैं खाली रोड में एंड फिर से होने वाला है कोर्सा में. फोन पकड़ लेता हूँ. ओ, 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 भाई एकदम से झटका मारती है, एकदम से ऐसे पीछे हो जाता है बंदा भी ना. क्या कौन सी पुश मारती है? हाँ वही 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 जो पुश एकदम से पुश होता है. शॉकर इसकी बहुत स्टेफ है, तो पता लगता है हर शॉकर की भाई ये गाड़ी जा रही है शॉकर से निकल रही है, बट झटका बहुत तेज लगता है. ये देखो, वो क्रेजी भाई, क्रेजी क्रेजी. लोगों के रिएक्शन तो इसमें बहुत क्रेजी आते होंगे यार, क्योंकि मस्टैंग में इतनी क्रेजी आती है. इसका तो एग्जॉस्ट इतना लाउड है, मतलब जो नहीं भी देख रहा होगा वो मुड़ जाएगा पीछे. और हम लोग वहां पर खड़े थे दूर और वहां तक आपकी गाड़ी की आवाज आ रही थी. जब ये लोग यहाँ पे चला रहे थे ना, जैसे हम लोग चला रहे हैं वहां तक आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा लाउड है. और ये थोड़ा सा सुनसान एरिया तो यहाँ तो ज्यादा ही गूंजेगी. अगर हमारे पहाड़ों में आ गई, हिमाचल साइड में आ गई, तो फिर तो भाई पूरे पहाड़ों में, वहां की ज्यादा शांति रहती है. और ऐसी गाड़ी आ गई तो भाई खतरनाक है, मजा आ जाएगा. लेकिन मजा आ जाएगा, जल्दी लेंगे. लेकिन अभी हाँ लैम्बोर्गिनी हुरैकन का प्लान कर रहे हैं भाई अभी. और मैं भी ये भी प्लान कर रहा हूँ, मैं अपने शायद बर्थडे तक लूंगा. और नहीं मैं उरुस तो नहीं लूंगा, मैं भी हुरैकन लेने का प्लान कर रहा हूँ, हुरैकन लेने का प्लान कर रहा हूँ. बट हाँ वहाँ थोड़ी दिक्कत है चलाने की, बट चला लेंगे किसी तरह. हाँ। थोड़ा थोड़ा दिन में, रात में, सुबह सुबह के टाइम जब ट्रैफिक नहीं होता है, उस टाइम ऐसे ऐसे करके निकाल के चला ही लेंगे गाइस. बाकी ये तो इसकी तो फील कुछ अलग ही है भाई, कसम से मजा आ गया गाइस. वो खतरनाक, एग्जॉस्ट भी बहुत लाउड है गाइस. एक बार देखो वो पब्लिक खड़ी हुई आगे, खतरनाक. मजा आ गया गाइस, बहुत ही मजा.
मजा आ गया, खतरनाक गाड़ी है, खतरनाक एक्सपीरियंस है, बहुत लाउड है, आवाज आ रही होगी ना यहाँ तक, हम लोग वहां थे, वहां से लेकर यहाँ तक आवाज आ रही थी। गाइस अभी हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर एक रील मस्त वाली, और अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में। लैम्बो वैम्बो मस्टैंग तीनों खड़ी थी एक साथ, लेकिन रील बनी नहीं थी, दो टेक ले लिया हम लोगों ने, सही से आई नहीं रही है गाड़ी, एक और टेक लेंगे एंड देखते हैं, अगर इस बार बन गई तो बन गई, नहीं तो फिर क्या बोल सकते हैं, नहीं बनी तो फिर घर जाएंगे। चलो चलते देखते क्या होता है। ओके गाइस फिर से हम लोग आ गए एक और टेक लेने के लिए, अभी तीनों गाड़ी लाइन में लग गई है और देखते क्या होता है। ओके मुझे नहीं लग रहा बनेगी भाई ये, क्या इधर जाना है। ओके ठीक है अच्छा गाइस उतरना भी था मेरे को, इन्होंने पूरी स्क्रिप्ट बताई नहीं थी, मेरे को पता ही नहीं था कि उतरना भी है और मेरे को उतरना भी था। ओके गाइस तो अपनी रील भी बन चुकी है फाइनली, बहुत टेक्स के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद ये खड़ी है गलाडो और दोनों की दोनों मस्टैंग, और रील आप लोगों को इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगी तो जाके फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साहिल राणा SAHILRANA मेरा यूजर नेम है, जाके फॉलो कर दो सब लोग, मस्त मस्त रील्स एंड पिक्चर्स आने वाली है वहीं पे, तो अभी और पिक्चर्स वगैरह लेते हैं कुछ इंस्टाग्राम के लिए, तो फॉलो कर देना जाके और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ओके भाई लोग अभी हम लोग आए कुछ खाने पीने के लिए मस्त जगह पे, कैसी जगह है? मस्त एकदम, मेरे को लगा कि इस बेकार जगह है, जंगल वंगल में लेके आ गए थे तो, लेकिन ये अच्छी जगह है ना, अच्छी जगह एकदम बेस्ट। बट खाना भी क्या है, क्या खाना क्या है आज देखते हैं, बहुत कुछ है खाने के लिए। चिकन खाएंगे, नॉन वेज खाएंगे या वेज खाएंगे, बहुत इतना सारा है कि देखो पीछे सेंटा वेंटा भी लगा हुआ है और क्रिसमस ट्री भी बना हुआ है पीछे, ये देखो, तो सब बैठ के खाएंगे आराम से, सब बैठ के खाएंगे, फाउंटेन भी है और भाई मजा आ गया, तो लैम्बो वैम्बो में राइड वाइड मस्त एकदम मजा आ गया। गाइस हम लोग और भी मस्त वीडियो बनाएंगे उसके साथ, देखो और वीडियो, और वीडियो आने वाले, यहां का व्यू बहुत प्यारा है, ये देखो यहां का व्यू दिखाता हूं, फाउंटेन दिखाता हूं, गाइस पूरा एकदम पानी वानी है उधर, ट्री है मस्त वाला, और देख सकते हो पूरा इधर खाने पीने की जगह है, शॉप्स वगैरह है सारी, इसको देखो सेंटा क्लॉस भी है यहां पर। Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride. तो भाई लोग अपना खाना पीना हो चुका है, और कैसा था खाना? मजा आया, मस्त मजा आ गया ना, बहुत मस्त खाना था और मस्त जगह है गाइस, एकदम मजा आ गया भाई खाना पीना करके। अब गाइस देखते हैं कहीं जाएंगे मस्त जगह पे एंड पार्टी शार्टी कर, लोकेश बोल रहा है पार्टी करनी आज फिर से, आज क्यों नहीं करनी है, आज संडे है, हां संडे, संडे इज फन डे ब्रो, संडे इज फन डे, संडे में गाड़ी मारो गाड़ी में, अभी मस्टैंग निकालते हैं दोनों अपनी, है ना, मस्टैंग निकालते हैं, चलो ठीक है